हेलो भाई, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स बोलो शो है जन। वी आर बैक एट अगेन, वी आर बैक एट अगेन विद अ वीडियो। क्योंकि तुम और आप हम दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ें। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपनी प्रेजेंस लगा दो और कमेंट कर देना, और जाके इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करो। अभी हम पहन रहे हैं शूज और अभी हम जा रहे हैं जिम, फटाफट से पहनते फिर आपसे मिलते हैं जिम। गाइस नैटी गाइस अब आ चुके हैं जिम से और पसीना लग चुका है ऊपर। नैटी गाइस ने आज क्या कराया है, बैक और बाइसेप तुमने वीडियो देखी होगी, तुम्हारे भाई की बढ़िया पंप रखे हैं हाथ वाथ, बट हैं छोटे। और अभी हमने भैया से पूछा कि भाई मन्नू लिफ्ट नैटी है कि नहीं है, भैया ने कहा बिल्कुल नैटी नहीं है, बिल्कुल ही नैटी नहीं है, बालों को चूतिया बना रहा है वो। अब भैया ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई है, पता है ना भैया ने जो हमें प्रूफ दिए हैं, क्योंकि भैया ने भी ये चीज़ करके छोड़ रखी है। और बाकी ये देखो भाई, नई दुकान खुली है यहाँ पे, किसी को आना हो तो बताना। ये आपको बहुत चीज़ें कहता है ना, देखो। तो गाइस अब हम स्मार्ट तो लग ही रहे हैं। और ये बताओ कि बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पिछले बार मैंने हेयर कट कराया था वो सही था या ये सही था, बता भाई। वो बोला जो कराया था जब मेरे बाल आगे की तरफ थे, ये वाला सही है। बस कोई लड़की तो पट नहीं रही है, बट हेयर रिपब्लिक वाले ने बाल ज़्यादा अच्छे काटे थे। हेयर रिपब्लिक तो देते हैं हम 500 रुपये, अब अंकल अंकल खड़े हैं तो बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। सो गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं और हमने लिए हैं केले, थोड़े सड़े हुए हैं क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक बंदे के पास जाके बोला कि भाई केले दियो, तो कह रहे भाई 60 रुपये के दर्जन। मैंने कहा भाई ने 30 के लिए उस दिन, बट मैंने कहा छोड़ भाई, फिर मैंने किसी और से लिया और देखिए कितने के 15 रुपये के केले शेक में डालने हैं, तो थोड़ा बांट बांट देंगे। जहाँ पैसे बच रहे हैं बचाओ, जहाँ पैसे बच रहे हैं वहाँ बचाओ, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, पैसा बचाओ। वो ये ले लिया 5 रुपये का, बताओ 20 रुपये में क्या मार आएगा, कुछ बॉडी से बनेगी, जहाँ पैसा बचाओगे आगे काम आएगा, तभी तो रेंज रोवर आएगी गाड़ी रेंज। चलो नहीं बात सुन लो, मम्मी की मम्मी कह रही कि वीडियो बनाता है तो ये जो किचन में गंद बंद है वो भी साफ कर देगा। मैंने कहा मैं जितना रो रहते हैं उतना सही रहता है, मम्मी ने भी कह दिया तो पागल है भाई। गाड़ी ये खुल नहीं रहा, पता नहीं ना एक आध दिन से क्या हो गया उसको, पता नहीं क्या अटक गया है। ज़्यादा पावर लगा दूंगा ना तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैं पावर लगा नहीं रहा, क्या करूँ मैं इसका। ये भी अटक गया है सिस्टम, पता क्या हुआ, ये बाहर आ गया है। जय श्री राम, नहीं निकल रहा यार, सब कुछ जुगाड़ करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ शेक बनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर एंड करेंगे ब्लॉग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो तो गाइस मैं तुम्हें जिस चीज़ का बताने जा रहा था वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जरा फ़ोन खोल लूँ मम्मी का, इसमें दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़ कि कैसे लोगों को फुद्दू बनाया जा रहा है, दूध खपा बनाया जा रहा है। देखिए हम भी थोड़ा इसमें थोड़ी अपनी डिबेट डाल देते हैं, बाकी अपना ओपिनियन है हम जो भी बोल रहे हैं, बाकी आपको दिखाता हूँ भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है कोई रखे। पर आप ये चीज़ देखो गाइस, ये जो आप फोटो देख रहे हो, आपको किस एंगल से लग रहा है कि ये जो बंदा है ये नैटी है? ये जो आपकी मसल्स देख रहे हो उसकी, आप ये गाइस ऐसे नहीं आती है ये बिल्कुल भी, ये देख लो एक बार। और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, फ्लैश ना पड़ रही हो, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि फ्लैश खुली हुई है, और इसकी एक आध पोस्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ भाई। ये बंदा पावर लिफ्टिंग करता है, तुम पावर लिफ्टर देख लो और ये पावर लिफ्टर देख लो, तुम कितना अंतर फ़र्क है। इसने पहले लिया होगा पर इसने चलाया बिल्कुल है भाई, एक बार मसल्स चेक कर लो इसकी, ये नैटी लोगों की नहीं होती मेरी जान।
तुम्हें मैं वो मेरी फ़ोटो मिल रही जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ वो मिल जाए एक बार, फिर सारा काम हो जाएगा। रुको, फ़ोटो एक बार देखो, ये मसल चेक करो, ये जो ग्रेन्स पड़ रही हैं, जो इतना सब ये है कट्स हैं, ये आप कौन से पावर लिफ्टर को देख रहे हो भाई? ये बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करता, ये पावर लिफ्टिंग करता है, ठीक है। और ये मैंने बहुत बंदे जो बंदों ने कर रखा है, इंजेक्शन लगवा रखे हैं, उनके से पूछ लेना। बाकी ये मेरा ओपिनियन था इस चीज़ के ऊपर, बाकी नो हेट फॉर एनीबॉडी। और बाकी आरुष बोला भाई अपने पक्का नेटी है, मेरे दोस्तों को लिखवा के दे रहा हूँ, आरुष बोला भाई जेन्युइन नेटी है और बंदा ही बढ़िया है वो। आरुष बोला भी तुम्हें दिखा देता हूँ मैं आज, आरुष बोला भाई बिल्कुल नेटी, बिल्कुल नेटी है। और ये ये थी आज की वीडियो, ये था मेरा थोड़ा सा ओपिनियन, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ना लगे तो कोई नहीं भाई, सबको सबको फिर सही नहीं लगता। बाकी मेरा ओपिनियन था, मेरे को जैसा लग रहा था मैंने बताया, थोड़ा सा शेयर करा। बाकी अगर तुम इस वीडियो में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और जो बटन है सब्सक्राइब उसको तोड़ दो।